बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके सामने क्लास 10 कंप्यूटर साइंस की बुक से एक्टिविटी 4.2 यानी यूनिट 4 के अंदर से आपको एक्टिविटी 4.2 परफॉर्म करके बताऊंगी। ये एक्टिविटी कह रही है दैट राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एन input the marks obtained in matriculation by 30 students of a class. The program should display the average marks of the students of the class. अब ये देखें, यहाँ पर हम array structure करेंगे। array structure कैसे कि हमारे पास एक variable है marks, ठीक है, लेकिन हमने वो marks 30 students के लिए enter करवाने हैं, ठीक है। we will use the array structure. तो सबसे पहले हमने start किया है program int main से, उसके बाद body of the main section के अंदर हमने तीन variables जो हैं initialize कराए हैं, marks के साथ big braces में मैंने लिखा है 30 का मतलब ये है कि इसमें 0 से लेकर 29 तक वैल्यूज काउंट होंगी, ठीक है। 30 स्टूडेंट के मार्क्स होंगे टोटल। ऑब्वियसली जब तक हम टोटल हमारे पास नहीं होगा, वी आर अनएबल टू फाइंड आउट द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास। फिर तीसरा वेरिएबल हमने बताया है एवरेज मार्क्स का। फिर हमने प्रिंट एफ से इनिशियलाइज कराई है मार्क्स की वैल्यू। अब यहाँ पर इसके साथ ही उससे अगली लाइन पे, लाइन नंबर 8 पे स्कैन एफ की होनी चाहिए थी वैल्यू, स्कैन एफ की स्टेटमेंट होनी चाहिए जिससे हम उसको इनिशियलाइज कराते हैं मार्क्स के वेरिएबल को। बट यहाँ हमने इसलिए इनिशियलाइज़ नहीं कराया क्योंकि मार्क्स के ऊपर एक जो है हमारे पास कंडीशन आ रही है, आइट्रेशन आ रही है, ठीक है। फॉर लूप यूज़ हो रहा है, मार्क्स में क्या लूप यूज़ हो रहा है कि हमने 30 स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करवाने हैं, तो उसके लिए हमने आई वेरिएबल डिफाइन किया है। आई क्या है, हमारे पास 0 है, यानी सबसे पहली वैल्यू जो है वो 0 से इनिशियलाइज, फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं उसको 0 से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट 0 में इंक्रीमेंट हुआ 1, अगले मार्क्स एंटर होंगे, ठीक है। फिर 1 में इंक्रीमेंट हुआ 2 बन गया, थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स एंटर होंगे। इस तरह 4, फिफ्थ स्टूडेंट के मार्क्स एंटर होंगे। तो तब तक होंगे जब तक आपके पास आई की वैल्यू लेस देन 29 नहीं हो जाती, यानी 0 से लेकर 29 तक काउंट करें तो 30 स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो एंटर नहीं हो जाते। फिर उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस में स्कैन एफ से मार्क्स की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है, परसेंटेज दी, क्यों, क्योंकि इन मार्क्स जो है ना वो आपके पास इंटीजर टाइप डेटा है, मार्क्स इंटीजर टाइप डेटा है जिसको हमने जो है वो परसेंटेज डी यानी डी टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है। और साथ ही हमने आई को भी इनिशियलाइज कराया क्योंकि आई की वैल्यू जब तक 30 नहीं हो जाती तब तक वो सारे मार्क्स एंटर करता रहेगा। उसके बाद टोटल जो है, टोटल का हमने फार्मूला एंटर किया है। टोटल किस तरह से होंगे, टोटल प्लस मार्क्स इंटू आई, यानी टोटल 0 है ना मार्क्स, फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स उसमें एंटर हो जाएंगे 0 प्लस, जैसे लाइक से 1000 में से 360 फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं तो 0 प्लस 360 टोटल 360 हो जाएंगे। इस तरह हर अगले स्टूडेंट के मार्क्स यानी 29 तक टोटल 30 स्टूडेंट के मार्क्स जो एंटर होते रहेंगे। 29 में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 0 से लेकर 29 30 काउंटिंग बनती है। फिर इसके बाद हमने एवरेज का फार्मूला एंटर किया है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल, बट जब हमारे पास टोटल निकल आएगा तो देन वी विल बी एबल टू फाइंड द एवरेज ऑफ द मार्क्स। तो टोटल मार्क्स जो सब स्टूडेंट के यानी 30 स्टूडेंट के मार्क्स हैं उनको ऐड करके जो टोटल आया है उनको नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी 30 पर डिवाइड कर दिया जाएगा। और फिर इसी वेरिएबल एवरेज का ही हमने उसके लिए प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ की है। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है, इसकी कोडिंग यहाँ स्क्रीन पर आपको सामने शो कर दी गई है। इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं और ख़ुद भी सी ऑफलाइन कोडिंग एडिटर के अंदर आप इसको प्रोग्रामिंग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स से चले मैं इसको अब स्टार्ट कर देती हूँ, इसको रन करती हूँ उस प्रोग्राम को और देखते हैं हमारे पास क्या इसको शो होती है स्क्रीन। जैसे ही मैंने इसको प्रोग्राम को रन किया है तो कंपाइल किया है तो उसने मुझसे पूछे हैं मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं एक्सपोज करके कुछ भी मार्क्स एंटर कर देती हूँ, मतलब 1000 की रेंज में हो। देखना आपके पास मैट्रिकुलेशन में टोटल 1100 मार्क्स होते हैं, तो इस तरह से टोटल मार्क्स आप कोई भी रैंडमली ऐड कर दें, बट इट मस्ट बी द मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स। जब तक आपके 30 स्टूडेंट के मार्क्स एंटर नहीं होंगे वो आपको आपके एवरेज टोटल निकाल के नहीं देगा। तो जस्ट कीप काउंटिंग द मार्क्स जितने आप मार्क्स एंटर कर चुके हैं, तो ये साथ साथ एंटर हो रहे हैं मार्क्स। जी तो मैं रैंडमली मार्क्स को एंटर कर रही हूँ। जी याद रहे कि आप साथ साथ काउंट भी करते रहेंगे जब तक 30 स्टूडेंट के मार्क्स एंटर हो जाएंगे। जैसे ही एंटर होंगे ऑटोमेटिकली वो आपको आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, यानी 30 अबव हो जाएगी आई के आइट्रेशन, तो वो खुद ब खुद ही आपको एवरेज और टोटल मार्क्स निकाल देगा। तो आप ये देखते जाएं इस प्रोग्राम को। जी देखें, ये देखें आपके पास ये प्रोग्राम जो है वो कम्प्लीट हो गया, यहाँ पर हमारे पास एवरेज मार्क्स आ चुके हैं।
एवरेज मार्क्स आए हैं 15,762.00 पॉइंट्स मिस लिया है बिकॉज इट वॉज डिफाइंड एज द फ्लोट वेरिएबल और यहाँ पर मेरे पास कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ जो हैं वो एंटर हो गई थी जिस वजह से इतनी बड़ी एवरेज. ठीक है, तो अगर आप कम छोटे मार्क्स कम वैल्यूज़ में एंटर करेंगे तो कम ही आपके पास एवरेज आएगी. मेरे पास अकॉर्डिंग टू मार्क्स एवरेज आई है. सो ये प्रोग्राम आप नोट कर लें. आई होप सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. जस्ट कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.